कृषि कानूनों के बीच एक बार फिर से SYL का जिन निकल आया है और हरियाणा के हक का पानी पंजाब सरकार से लेने के लिए आज तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, एक दिन के उपवास पर बैठे हैं, सांकेतिक उपवास है। एक तरफ जब कृषि बिलों को लेकर दिल्ली पर किसानों का धरना जारी है, वहीं अब भाजपा जो है किसानों के साथ मिलकर पंजाब से हरियाणा के किसानों का हक का पानी मांग रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों के हित में SYL का पानी पंजाब सरकार दे, इस बात पर जो है एक दबाव बनाने की यदि बात की जाए कि एक प्रयास किया जा रहा है पंजाब सरकार पर, तो शायद गलत नहीं होगा। ये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में जो है फैसला दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आज भाजपा के तमाम नेताओं को धरने पर एक दिन के उपवास पर बैठना पड़ा। विधायक सीमा तिरका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, आज उपवास पर बैठे हैं भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, एक तरफ वहाँ किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो क्या हाल आप समझते हैं कि SYL का पानी दशकों पुरानी लड़ाई है, हमेशा से सियासत होती आई है, इस पर क्या कुछ हल निकलेगा, क्योंकि इन सबके बीच में पिस किसान रहा है? देखिए, सबसे पहले SYL को समझने के लिए हमें अमरिंदर सरकार को समझना बड़ा जरूरी है, पंजाब सरकार को। 2014 में देश ने मोदी जी के हाथ में पूरे देश का नेतृत्व दिया और 2015 में कांग्रेस की सरकार, अमरिंदर सिंह जी की सरकार हम ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि वहां पर उनके शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी का कोई दखल नहीं रहा पंजाब में। उन्होंने कहीं पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसमें उनका हस्तक्षेप दिखाओ। तो 2015 में अमरिंदर सरकार को पंजाब ने मौका दिया, लेकिन इन बीते 6 सालों में मोदी जी ने गांव, किसान, गरीब, मजदूर, बेटी और पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई, जो गरीब के चूल्हे से लेकर के उसके दरवाजे पर अगर अचानक से रस्ते में एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो 2 लाख की 12 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस और 6,000 रुपये एक BPL परिवार की बिटिया जब गर्भवती होती है तो उसके पोषक खाने के लिए किसान को 6,000 की सुरक्षा निश्चित करी। ऐसे बहुत सारे काम इस सरकार ने किए मोदी जी ने। तो आज अमरिंदर सिंह जी को ये डर है कि अब 21 में होने वाले चुनाव के लिए उनके पास कोई भी विषय नहीं है, तो उन्होंने वहाँ के भोले भाले किसानों को बहकाया। और आज जो आप देख रहे हैं, ये कानून तो पूरे देश में लागू हो रहा है, सिर्फ पंजाब पे थोड़ी है, और पंजाब के भी 10-12% किसान इन्होंने, जिनको जानकारी नहीं, उनको वहाँ ला करके खड़ा कर दिया। और बाकी लोग जितने बैठे हैं या तो किसी राजनीतिक आईडी के हैं या सेल्फ इंटरेस्ट में हैं। मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, अंग्रेज देश से चले गए लेकिन इसके बावजूद इस देश में कुछ सामंतवाद मानसिकता के लोग रह गए, और वो सामंतवाद लोग उन राजघरानों से आते हैं जो आज आड़त के रूप में, जिनका काम नहीं है लेकिन वो करोड़ों रुपया का लगान मंडियों से वसूलते हैं। आदरणीय मोदी जी के ये किसान और किसानी सुरक्षा कानून इस प्रकार के हैं कि जो ये मिडलमैन है, जो ये लगान वसूल रहा है, इसकी आय को खत्म करते हैं और पूरा बेनिफिट डायरेक्ट किसान को और परचेजर को देते हैं। यानी कह सकते हैं कि चुनावी, आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा है पंजाब सरकार का। नरेंद्र जी, जब पाले में सुप्रीम कोर्ट के है SYL मुद्दा और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में मिलकर इसको सुलझाएं, तो भाजपा आज धरने पर बैठी है, एक तरफ पंजाब के किसानों की बात कर रही है, पंजाब सरकार किसानों के हक की बात कर रही है, तो हरियाणा के हक, किसानों का हक क्यों नहीं देना चाहती? देखिए, ये तो हम इसीलिए बैठे हैं उपवास पे कि माननीय अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जब सरकार आई तो उन लोगों ने SYL के लिए जो निर्णय हुआ था पहले वाला, उसके बाद उन्होंने एक संविधान में वहाँ विधानसभा में संशोधन लेके आए और किसानों को बरगलाया और उनकी ज़मीनें, कहा कि इस पर कब्जा कर लो, जिसका लोग वो मुआवजा ले चुके थे। हरियाणा ने SYL की ज़मीन एक्वायर करके उसका मुआवजा दिया हुआ था। उन्होंने एक गलत कानून वहाँ बनाया जो कि कानून बन ही नहीं सकता था, वो बना के उस ज़मीन पे उन्होंने कब्जा करा दिया। तो हम ये आज मान करने के लिए बैठे हैं बड़े भाई के सामने कि भाई उसको सद्बुद्धि भगवान दे, और जो अपने छोटे भाई का हिस्सा है, जो पहले निर्णय हुआ था जब 2 स्टेट बने थे कि
कितना पानी किसको मिलेगा, उस समय ऑलरेडी कई बार ये निर्णय हो चुके हैं, उसमें वो हमें सहयोग दे और दक्षिणी हरियाणा में जो पानी की किल्लत है वो दूर हो पाए। बड़े भाई का फर्ज बनता है कि छोटे भाई का भी वो ध्यान रखे। बिल्कुल, और देखिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिपरचंद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि SYL पर ये उपवास जो है, जो एकदम से इतने दशकों से राजनीति चली आ रही है SYL पर, आज भाजपा ने उपवास रखा है, तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पर भाजपा चल रही है। ऐसा नहीं है, हमारी मांग तो बहुत पहले से चल रही है। 2004 में माने सुप्रीम कोर्ट जी ने, न्यायालय ने हमारा फैसला कर दिया, तो हमको पानी मिला क्यों नहीं? ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे साथ धोखा हुआ है। पंजाब सरकार में माननीय प्रधान, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कानून खड़ा पास किया अपनी विधानसभा में, जो हमारे साथ धोखा किया है उस बारे में उपवास रखा है हमने। देश ने धोखा नहीं किया, माने सुप्रीम कोर्ट ने धोखा नहीं किया, पंजाब सरकार ने हमसे धोखा किया है। भैया आप कौन, क्या नाम है आपका? साहूकाल जी। आप बीजेपी से हैं या किसान हैं? बीजेपी से। आज किसान भी इस आंदोलन में शामिल हैं, भाजपा द्वारा प्रचारित किया गया है, कितने किसान आज यहाँ पर मौजूद हैं? किसान बहुत बैठे हैं, 2000 आदमी बैठे हो कम से कम। और ये कांग्रेस जो है सदा बीजेपी में हो, यानी कभी काम बढ़िया ना करो। अब मोदी जी जो बढ़िया काम कर रहे हैं, अब के किसान के धरना लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा जो कि भाई भाई का नारा दिया जाता है, बात कही जाती है, लेकिन कहीं कृषि कानूनों को लेकर तो कहीं SYL का पानी इस भाईचारे में बाधा बना हुआ है। पंजाब सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और हरियाणा लगातार मांग कर रहा है कि हरियाणा के किसानों का हक दें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर भाजपा का ये उपवास हरियाणा के किसानों को उनका हक दिलवा पाता है या नहीं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।